कि बीजेपी का विजय दिवस कार्यक्रम होने वाला है। हर कार्यकर्ता घर पर बीजेपी का झंडा फहराएगा। चुनाव वाले क्षेत्रों में हर कार्यकर्ता ये झंडा फहराएंगे और पार्टी ने झंडे को बताया है विजय संकल्प ध्वज। सीएम वीडी शर्मा विजय ध्वज संकल्प जो है वो लेंगे और झंडा फहराएंगे। पृथ्वीपुर में वीडी शर्मा फहराएंगे विजय ध्वज, वहीं भूपेंद्र सिंह भी वीडी शर्मा के साथ ही मौजूद रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय खंडवा में झंडा फहराएंगे। सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई। सदफ, जैसा कि अभी आपने बताया कि चूंकि आज दशहरा है और इसी के मौके पर तमाम कार्यक्रम जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए हैं, विजय संकल्प ध्वज भी फहराया जाएगा। जी अंजलि, अभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, आज विजयदशमी है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसी के दिन आज बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। दशहरा के मौके पर बीजेपी ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज फहराने का यह फैसला लिया है। जहां जहां उपचुनाव है वहां पर बीजेपी के हर कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा और इसमें बड़े जो बीजेपी के नेता है वो भी यहाँ पर मैदान में उतरेंगे। अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो वो पृथ्वीपुर जाएंगे, उनके साथ जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और जिन्हें उपचुनाव की का जिम्मा भी दिया गया है प्रबंधन का। भूपेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पृथ्वीपुर में मौजूद रहेंगे, विजय संकल्प ध्वज यहाँ पर वो फहराते हुए नजर आएंगे। बड़े नेता हैं दोनों। इसके अलावा वहां पर एक रैली भी निकाली जाएगी और जो पृथ्वीपुर की प्रत्याशी है उनके लिए भी यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा हम दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात करें जो कि राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो खंडवा में विजय ध्वज संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अभी हम बात कर रहे थे कि वो रेगांव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि दशहरा पर भी जो बीजेपी है उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो विजय संकल्प ध्वज फहराएंगे। लेकिन सदफ एक और जानकारी दीजिए कि क्या संकल्प लिया जाएगा, जनता को क्या संदेश दिया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए। देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विजय संकल्प लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि जीत का संकल्प लेंगे और बीजेपी के हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा इसलिए फहराया जा रहा है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता जीत का संकल्प ले, विजय संकल्प ध्वज, ये इस अभियान का, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। यानी कि हर कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेता हुआ नजर आएगा और जमीनी स्तर पर काम करेगा, जनता तक पहुंचेगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको भी यहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से हमने बगावत के सुर भी बीजेपी की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर हमने देखे हैं, तो कह सकते हैं कि बीजेपी का एक तरह से उन लोगों के लिए भी यह मैसेज है कि हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा फहराना और विजय संकल्प, यानी कि वो एकजुटता का प्रतीक दर्शाता है, इसी वजह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सदा बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।